लाइव में आके तुम ये बात बोलो, है हाँ ना, उसके बाद जस्ट बाद मेरा मेरे को लाइव में बैठा के नंगा किया जाता है, मेरी माँ बहन किया जाता है। हाँ? सुनो, कभी बोलता है डिजाइन देखना है, कभी बोलता है ये देखना है, हाँ? कभी ये बोला जाता है, फिर वही चीजें लाइव में मतलब बैठा के ऐसे गंदे काम किया जाता है मेरे को। तो अब हम जानते ही छोड़ थे क्या? अभी मैं अरहान से बात कर रही हूँ, इतने अच्छे से बात कर रही हूँ, क्या पता वो मेरे से अच्छे से बात करे, मैं उससे पर्सनल बात करने लग जाऊं, मैं उसको सारा कुछ अपना शो कर दूं, वो लाइव में आके शो कर देगा। ये तुम्हारे अंदर की इंसानियत है क्या? गलत है इंसानियत यार नाम का हमारे। भी तो चीज होता है कि बस। आप कभी, मैं भाई मैं तो भीख मांगती हूँ, चलो आके देखो तुम, मैं भीख भी मांग रही हूँ तो एक अपने चीज खर्चे बता, अपना खुद का चला पता रही है हूँ, तुम होते मैं कौन हो मेरे को बोलने वाले? ज्यादा कुछ तो नहीं होता है, मतलब पता है मुझे, लेकिन इतना पता है सोशल मीडिया पे कभी किसी से रिश्ते नाते नहीं बनाने चाहिए, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी पर्सनल चीजें कभी उनसे शेयर ना करें, क्योंकि पता है सोशल मीडिया पे जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उन्हें पछताना ही पड़ता है, ऐसा होना ही होना है ये जान लो आप, क्योंकि पता है यहाँ पे सिर्फ मजे लेने आते, कोई यहाँ पे सीरियस नहीं होता। अगर हम लोग किसी को दिल से दोस्त भी मान लेना तो हम ही धोखा खाएंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, उनका काम ही यही है। वही तो गलती होगी मेरे से, वही तो गलती होगी कि मैं हर चीज शेयर किसी को करती हूँ दिल अपने से लाइफ दोस्त के भी नहीं बारे में। मानना, ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे यार, सोशल मीडिया है। और आजकल लोगों को पता है फेम पाने के लिए, वो पब्लिसिटी पाने के लिए क्या नहीं कर जाते हैं, सोचो आप, यार ऐसी तुम ऐसी लड़कियां अपनी जिस लाइफ, पब्लिसिटी पाने के कारण किसी लड़की को मौत के डियर मुंह में धकेल सकते हो, इतना इंसानियत तुम्हारे अंदर? डियर मेरी बात सुनो, पता है जिस लाइफ पे आपके साथ जो हादसा हुआ ना, उस लाइफ पे मैं बहुत टाइम से, मैं ऐड तो कभी नहीं होती हूँ, मैं चाहूँ तो हो भी जाऊँ, मैं ऐड नहीं होती, ऐसे कांटेक्ट में लोग हैं मेरे, मैं ऐड भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना डर लगता है उन चीजों से, उनकी बातों से, कि मैं उनसे बात भी क्या करूंगी बैठ के, मैं चलो पूजा, उनसे बात भी क्या करूंगी। नाम क्या है? शिवानी। वैशाली में आई, शिवन्या, शिवन्या। शिवानिया छोड़ो बात, चलो खाना हाँ बस आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, और ऐसी वैसी लाइफ पे मत जाओ, मैं तो बस यही कहूंगी, एक गर्ल होने के नाते बस इतना ही बताऊंगी आपको, कि आप डिप्रेस ना हो, खुश रहें, और जितना हो सके गर्ल्स से बात करें, अच्छे लोगों से बात करें, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, ठीक बस ही ना अभी। वो बात क्या है? ओके की? मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ कि मेरे को डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ रही है, और नहीं खाऊंगी तो फिर से मैं पागल हो जाऊंगी। अभी वो हाँ बात मुझे पता चला था यार, डिप्रेशन में चले गए थे आप उस दिन तो बहुत ज्यादा एक्सक्यूज मी यार, ऊपर से मेरा फैमिली लोड कि मैं अपनी फैमिली में बड़ी हूँ, है ना, दूसरी पूजा, बात कि मेरे डैडी अभी खत्म हुए हैं। पूजा बात छोड़ो आप बात छोड़ो छोड़ो। ओके क्या किया आप पूजा आज? थैंक यू सो मच मनोज यार, क्या आपने? चलो मैं मैं डीएम मेरी आज डीएम बारह डीएम से मी आठ ड्यूटी देखी, फिर अर्जेंट काम था घर में, कुछ शिवानी पेपर्स लाने थे, तो ड्यूटी आने के अभी बाद मैं घर पर देखी, उधर से जाना अभी तो क्या किया आपने चलो, पूजा आज? मिमिक्री सुनते, पनौड़ी भी आ गए। ओ नो यार, हद है यार, पनौड़ी आया है। हाँ भाई पता है, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी गोली लेके आया हूँ ना, आप उसको जस्ट कहोगी ना आपको एकदम रिलैक्स हो जाओगी। गॉड प्रॉमिस, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, आपको ना इस पे पक्का ट्रस्ट करना होगा। आपने मेरी बात सुनो, आप किसी पे ट्रस्ट करो या ना करो, बट मुझ पे ट्रस्ट जरूर करना। मैं सच में, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखी हूँ, वो सबके सब सारे लड़के ऐसे होते हैं, और मैं किसी और की नहीं बात कर रही, वो जो आरन जी बैठे हो ऊपर, वो भी स्टार्टिंग में मुझे बहुत पसंद करते थे, फिर बाद में मैंने उनका कनेक्शन किसी और लड़की के साथ देखा, तो फिर मैं उनसे ब्रेकअप कर ली। फर्स्ट टाइम तो उन्होंने मुझे चीट किया था, और उनके चीटिंग की वजह मेरे दिलों में आज भी छुपती है, मैं सोचती हूँ ना तो मुझे रोना भी आ जाता है, हमेशा मैं रोती हूँ, तो क्या बता सारे लड़के ऐसे होते हैं, मैं इतना जान गई लड़के सब लोग मतलब भी होते हैं, बट उनका जब तक कहना माना वो लोग हैप्पी रहते हैं।
कपड़े समझ से लड़कियों को बस निकाल के फेंक देते तो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे आप अगर, अरे आप अगर, मेरी आप अगर अपने प्रॉब्लम प्रॉब्लम, एक सेकंड, एक सेकंड, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना, छुटके बजा करके उसको सॉल्व कर दूंगा क्योंकि रान का इंतजार तो दुनिया की 12 मुल्कों की पुलिस को है। अगर रान को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोई बात नहीं जरूरी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे मैडम जी, मुझे तो लगता नहीं कि आपको कोई गलत कर सकता है। मुझे पता है आपकी बाजू में इतनी ताकत है, आपके पास आपका 2.5 किलो का हाथ भी है और आपका जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बॉडी छोटी बना के रखा करिए, वक्त आने का इसका भी यूज करते हैं। मगर हमारे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, हमें लगता नहीं, जब से मैंने लॉकडाउन क्या लगा दिया, साथियों, मैं दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मैं बन गया हूँ। भाइयों बहनों, हमें बहुत तकलीफ होती है, अत्यंत पीड़ा होती है, मगर क्या बताऊं साथियों, भाइयों बहनों, मैंने जब से लॉकडाउन क्या लगा दिया, सभी लोगों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, मोदी जी आपको दोबारा हिंदुस्तान में इस गद्दे बनाना नहीं चाहिए। साथियों, हमारा क्या है, हम तो ठहरे जोगी लिए और निकल दिया। भाइयों बहनों, सनी देओल जरा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर उनसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया की किसी बाजार में नहीं मिलता। मर्द उसे अपने साथ लेके पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अरे मैडम जी, आप तो वही हो ना जो खाना बनाती हो, जब खाना नहीं बना रही हो। अरे मैडम जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने तो सोचा था कि आपके लाइव में आने के बाद कुछ खाने को मिलेगा मगर आपने मोगेम्बो को नाराज कर दिया। आसमान से लेके जमीन पर बस खाना खाने के लिए आया था, क्योंकि मुझे